प्रदेश में मिशन रिपीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की जयराम सरकार की छवि बहुत अच्छी है। प्रदेश भाजपा के सभी लोग आने वाले समय में लोगों तक पहुंचकर भाजपा को दोबारा सत्ता में लाएंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिशन रिपीट के लिए तैयार हैं। वहीं प्रदेश के कई नेताओं की नाराजगी को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी नेता खुश हैं और कोई भी नाराज नहीं है। एनआईटी कैंपस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मिशन रिपीट के लिए भाजपा ने एकजुट होकर रणनीति बनाई है और सभी ने मिलजुल कर सरकार बनाने के लिए अपना योगदान देने की बात कही है। वहीं मिशन रिपीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के दायित्व को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा का आला नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी किसी भी कार्यकर्ता को देता है उसे वे निभानी पड़ती है। कार्यकर्ता के नाते, वरिष्ठ नेता के कारण जो लोग अपेक्षित थे वो सब लोग आए और सब लोगों ने अपना योगदान, भूमिका 2022 में सरकार कैसे वापस आए उसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। किन किन क्षेत्रों में सरकार और संगठन को कदम उठाने उस पर भी चर्चा हुई और सबने मिलजुल कर वापस सरकार बनाने के लिए अपने योगदान देने की बात कही है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी थे, कहीं ना कहीं बीजेपी का स्टैंड है कि जो जयराम ठाकुर है उनकी अध्यक्षता में इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो किस परिप्रेक्ष्य में अब जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो तय करता है वही सब कार्यकर्ता करते हैं, उसमें कोई एक कार्यकर्ता हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जिसकी जो भूमिका होगी वो उसको पूरी तरह से निभाएगा। मिशन रिपीट के लिए जो मोदी सरकार, जयराम जी की सरकार की दोनों की छवि बहुत अच्छी है, बहुत शानदार काम किए हैं। इसको जनता तक कैसे लेकर जाना है? कोरोना महामारी के कारण पिछले 1.5 साल से अस्त व्यस्त जो माहौल था उसके बाद अब जनता के बीच में विषयों को लेकर जाएंगे, अपनी उपलब्धियों को लेकर, और मिशन रिपीट करेंगे। जो नाराज चल रहे हैं कई, कोई नाराज नहीं है, सब खुश हैं। मिशन रिपीट और महंगाई को लेकर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल को देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के समय में बैंकों को करोड़ों रुपए के घोटालों से दो चार होना पड़ा था तो बैंकों की हालत दयनीय हुई थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई नियंत्रण में है और आज पेट्रोलियम के दाम बढ़े हैं तो भी स्थिति नियंत्रण में है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने कालखंड पर एक नजर मारनी चाहिए, जहां बैंकों को लाखों करोड़ के घोटाले में वो छोड़कर गए थे। महंगाई की सीमा 12% से ज़्यादा कांग्रेस के समय पर थी। मोदी सरकार के पहले 5-6 वर्षों को देखोगे तो मात्र 4% से कम महंगाई दर थी या 4.5% तक गई, महंगाई नियंत्रण में थी। और आज भी अगर पेट्रोलियम के दाम दुनिया भर में, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो उसका भी एक प्रभाव देश भर में पड़ा है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है। एनआईटी के पूर्व डायरेक्टर के समय में अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट में देरी पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते इसकी जांच में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते कामकाज में बाधा आई है, लेकिन जैसे ही स्थिति सुधर रही है तो जल्द ही इस मामले पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम सब भलीभांति जानते हैं पिछले 2-2.5 महीने कोरोना की दूसरी लहर के कारण जो केसेस बढ़े उसके कारण आम जनमानस के लिए भी दिक्कत आई, ओवरऑल कामकाज करने में भी दिक्कत आई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक तरह से ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कुछ नहीं हो पा रहा था, तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हो, बाकी कमेटीज़ हो, उनमें कुछ विलंब इसलिए भी हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण। जैसे स्थितियां और बेहतर होती हैं सारे निर्णय किए जाएंगे। सेवन पे कमीशन का एक बड़ा लंबा इंतजार जो है वो कर्मचारी, क्या उम्मीद है? समय समय पर मोदी सरकार ने सब निर्णय किए, चाहे 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, 1 किलो दाल मुफ्त में देने का काम पिछले साल किया हो, इस साल भी प्रधानमंत्री अन्न योजना से दिवाली तक के लिए 5 किलो गेहूं, चावल मुफ्त में देने का काम मोदी सरकार कर रही है। कर्मचारियों के लिए जो करना वो भी कर रही है, हर वर्ग के लिए एक के बाद दूसरे कदम उठाए और देश भर की जनता के लिए मुफ्त में वैक्सीन देने का काम 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लिए मोदी सरकार कर रही है। और पिछले कल जो मैंने घोषणा धर्मशाला से की थी, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अगर किसी व्यक्ति के इलाज पर उसका एम्प्लॉयर पैसा देता है या कोई दूसरा व्यक्ति भी मदद करता है उस पर उसको टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी राहत दी है मोदी सरकार ने। किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है तो उसका एम्प्लॉयर अगर एक्स ग्रेशिया का पैसा देता है तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। किसी की मृत्यु होती है और उसके परिवार की मदद करने के लिए जनता में से लोग आगे आकर मदद करते हैं तो 10 लाख की जो राशि है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
और भी जो कंप्लायंस बर्डन इनकम टैक्स था उसको भी हमने डेढ़ डेढ़ एक एक महीने का टाइम आगे दिया है, जिससे बहुत राहत व्यापारी वर्ग में देखने को मिली।